दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे चैनल के माध्यम से प्रसिद्ध सेलेब्स और उनके परिवार से जुड़ी जानकारियां आपको देते हैं। आज के हमारे एपिसोड में हम जिस बॉलीवुड अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं, वो बॉलीवुड के 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार है। ये अभिनेत्री खूबसूरत इतनी है कि उनकी खूबसूरती की लोग आज तक मिसाल देते हैं। दिलकश अदाएं और अपनी एक्टिंग स्किल से करोड़ों के दिलों पर राज करने वाली वो अभिनेत्री हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा की मुस्कान बहुत खूबसूरत मानी जाती थी। इसके अलावा उनकी एक्टिंग भी लाजवाब थी। एक से एक मशहूर फिल्मों में अपनी दमदार अभिनय प्रतिभा का उन्होंने लोहा मनवाया है। आइए अब हम आपको बताते हैं उनके पारिवारिक जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। तो वीडियो को पूरा देखिए और जानिए अभिनेत्री सायरा बानो से संबंधित फैमिली डिटेल्स। ऐसा कहा जाता है कि महज 12 साल की उम्र में उनका सपना था कि अपनी मां नसीम की तरह वो अभिनेत्री बने और दूसरी ख्वाहिश ये कि वो अभिनेता दिलीप कुमार से शादी करे। सायरा जी का जन्म 23 अगस्त 1944 मसूरी उत्तराखंड में हुआ था। उनके पिता का नाम मियां एहसान उल हक था, जो कि एक आर्किटेक्ट थे, और उनकी माता का नाम नसीम बानो था, जो कि एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के तौर पर काम करती थी। उनके भाई का नाम सुल्तान अहमद था, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे। सायरा जी का बचपन अधिकतर लंदन में बीता, जहां से पढ़ाई खत्म करके वो भारत लौट आई। स्कूल से उन्हें अभिनय से लगाव था और स्कूल में उन्हें अभिनय के लिए काफी पदक मिले थे। बचपन से ही वो अपनी माँ की तरह एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। आज लोग उनको पड़ोसन जैसी सुपरहिट फिल्मों की हीरोइन के तौर पर याद करते हैं। अपने जमाने में सायरा धड़ल्ले से इंग्लिश बोलने वाली हीरोइन मानी जाती थी। वो इतनी सुंदर और टैलेंटेड थी कि उस समय के सभी टॉप हीरोज उनके साथ काम करने को इच्छुक थे। 19 साल की उम्र में शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली से डेब्यू किया। उनकी नानी शमशाद उर्फ चमियन बाई अपने जमाने की मशहूर उनकी आवाज के दीवाने हर कहीं थे। सायरा खुद भी नानी की तरह ही गायक बनना चाहती थी। वो अपने बचपन में घर परिवार के लड़कों के साथ खेलती कूदती थी। जब 12 साल की हुई तो पहली बार फिल्म आन में दिलीप कुमार को काम करते देखा था। उस दिन उनके अंदर एक फूल सा खिल गया। वो दिलीप साहब की मोहब्बत में पागल हो गई थी। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उन्होंने बस एक ही शख्स से मोहब्बत की, वो है यूसुफ साहब, यानी कि दिलीप कुमार। सायरा बानो जब मुंबई आई तो उनके सामने फिल्मों के ढेर लग गए। सायरा दिलीप जी को सेट पर देखने के लिए हमेशा आया करती थी। जब दिलीप कुमार को बताया गया कि सायरा बानो उनसे बचपन से ही मोहब्बत करती है, तो दिलीप कुमार ये बात सुनकर हंस पड़े थे। कहते हैं बाद में इश्क रंग लाया और दिलीप जी ने 44 साल की उम्र में 22 साल की सायरा बानो से निकाह किया। 1966 में दिलीप कुमार ने सायरा बानो से खूब धूमधाम से शादी की। सायरा दिलीप कुमार से 22 साल छोटी हैं। सायरा और दिलीप साहब शादी के बंधन में 55 साल रहे। इनकी शादी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब इस रिश्ते को नजर लग गई थी। उस वक्त इस बात की चर्चा हुई थी कि सायरा कभी मां नहीं बन सकती। 1972 में सायरा बानो पहली बार प्रेग्नेंट हुई। ब्लड प्रेशर की शिकायत के कारण बच्चे को बचाने के लिए सर्जरी करना संभव नहीं था और दम घुटने से बच्चे की पेट में ही मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोई बच्चा ना होने के कारण 1980 में दिलीप कुमार ने हैदराबाद की रहने वाली तलाकशुदा महिला आसमा रहमान से दूसरी शादी की थी। आसमा के पहले से ही बच्चे थे, पर बाद में दिलीप को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने 1983 में आसमा को तलाक दिया और दोबारा सायरा के पास आ गए। दोस्तों, दिलीप साहब का निधन 7 जुलाई 2021 को हुआ। एक लंबे अरसे से उनकी तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल में वो भर्ती थे, पर आखिरकार अपनी जिंदगी की जंग हार गए। कहते हैं उनकी मौत की खबर सुनकर सायरा बानो के आंखों से दर्द छलक गया था और उन्होंने कहा था, मेरे जीने का खुदा ने आसरा ही छीन लिया। उनकी और दिलीप कुमार की कोई संतान नहीं है, वो अपने भाई की संतानों को ही अपना मानती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री शाहीन बानो सायरा की भतीजी हैं। शाहीन की शादी बॉलीवुड अभिनेता सुमित सहगल से हुई है। इन दोनों की एक बेटी है जिनका नाम सायशा है। शाहीन की बेटी सायशा भी फिल्मों में सक्रिय है। सायशा की शादी साउथ फिल्मों के अभिनेता आर्या से हुई है। दोस्तों, अब दिलीप साहब के इस दुनिया से जाने के बाद सायरा अपने मुंबई स्थित आशियाने में अकेली रहती हैं। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि अभिनेत्री सायरा बानो की पारिवारिक जानकारियां आपके लिए मनोरंजन से भरपूर रही होंगी।
हमारे चैनल को इसी तरह अपना सहयोग देते रहें। आपका धन्यवाद।